नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दियों में गठिया के दर्द से निपटने के तरीके के बारे में। गठिया एक चिकित्सा स्थिति है जो संयुक्त सूजन का कारण बनती है, जिससे व्यक्ति जोड़ों के आसपास नियमित रूप से संचलन का अनुभव करने में असमर्थ हो जाता है। हड्डियों और कार्टिलेज वाले जोड़ समय के साथ टूट फूट के कारण फट जाते हैं। जीवन के घटते वर्षों में उपास्थि ऊतक का टूटना सबसे आम है, लेकिन हाल ही में आंकड़े बताते हैं कि 20 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की युवा पीढ़ी भी गठिया से प्रभावित हो रही है। स्वस्थ रहने के लिए शर्तों को स्वीकार करना होगा और दिनचर्या का पालन करना होगा। ये 5 सुझावों का पालन करने से मरीजों को दर्द और पीड़ा से निपटने में मदद मिलेगी। 1. सक्रिय रहें। ठंड का मौसम कठोरता का कारण बन सकता है, जिससे व्यायाम के लिए खुद को चुनौती देने में असमर्थता हो सकती है। यह व्यायाम की गलत धारणा की ओर जाता है, जिससे जोड़ों के दर्द में वृद्धि होती है। यदि दर्द लंबे समय तक नहीं रहता है, तो हमेशा लचीला और ऊर्जावान रहने के लिए शारीरिक गतिविधि में संलग्न होने की सलाह दी जाती है। एक दोस्त के साथ जिम, योगा, व्यायाम करने से व्यक्ति को सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। 2. गर्म रहें। खून की गर्माहट दर्द को सहन करने में मदद करती है। सर्दियों में रोगियों को गर्म रहने और हीट थेरेपी से लाभ लेने की आवश्यकता होती है। गर्म पानी के टब में भिगोने, पैरों को गर्म करने वाले और दस्ताने पहनने से दर्द से राहत मिल सकती है। 3. वजन कम करें। यदि शरीर को अपने ऊपर कम भार उठाना पड़े तो घुटनों और कूल्हों पर दबाव कम हो जाता है। जितना कम भार वहन करना होगा, जोड़ों पर उतना ही कम दबाव पड़ेगा। 30 से 40 पौंड दबाव को हटा सकते हैं, जिससे सर्दियों के दौरान गठिया से निपटना आसान हो जाता है। 4. मैसाज करवाएं। शोध में कहा गया है कि सप्ताह में एक बार कम से कम 8 सप्ताह तक मालिश करने से जोड़ों के दर्द की समस्याओं के आसपास की मांसपेशियों को आराम देने में मदद मिल सकती है। हमारे शरीर को रब डाउन से उपचारित करने की आवृत्ति को बढ़ाना सर्दियों के दौरान और भी अधिक फायदेमंद होगा। 5. खूब पानी पिएं। सर्दियों में खूब पानी पीना सभी के लिए जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हाइड्रेटेड रहने का विचार गर्मियों के दौरान ही होता है, जब सर्दियों में शुष्क हवा के कारण शरीर के अंदर अधिक नमी की आवश्यकता होती है। एक गर्म कप चाय या एक कटोरी सूप भी समान रूप से मदद कर सकता है। साथ ही सर्दी में कम दर्द के लिए प्रतिदिन 8 गिलास पानी पीना सबसे अच्छा उपाय है। लगातार ऐसे ही घरेलू नुस्खे से अपडेट रहने के लिए हमारी चैनल चेतन हर्बल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मनपसंद जानकारी के लिए कमेंट करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।